शरद कल आ गया छोटे, ये मौसम तो कमाल का है। सही है भाई, पिकनिक के लिए यह मौसम सबसे सही है और शहद भी सबसे मीठा होता है। साथ ही हम बादाम के बारे में नहीं भूल सकते। ए छोटे, तुम्हें क्या वो वक्त याद है जब चिंटू यहाँ पहली बार आया था? क्या बात है? तुम्हें क्या याद है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे, बादाम खाने से कितना डरते थे? ये तुम क्या बातें लेकर बैठ गए, मैं तो भूलने की कोशिश कर रही हूँ। जरा इन पेड़ों को देखो, कमाल के हैं। एक गिलहरी के लिए ये एक सपना है। जरा इस तरफ देखो और इस तरफ भी। सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने यहाँ एक भी बादाम नहीं देखा। मुझे तो मेरा घर मिल गया। ये तो सुरंग भी रहने जैसा है। पता है मुझे, इसे और सुंदर बनाने के लिए मैं इसे फूल से सजाऊंगी। क्या तुम यहाँ पे नए आए हो? मैं हूँ बबलू और ये मेरा भाई डब्लू। हेलो दोस्त, मैं हूँ डब्लू, यहाँ का सबसे खूबसूरत बालों और सबसे बड़ा चालाक भी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अरे छोटे शांत रहो, इस नन्हे दोस्त को डराओ मत, हाँ समझ गए? मेरा नाम वॉरेन है और मैं इस जंगल में बिल्कुल नहीं। जंगल में तुम्हारा स्वागत है चट्टा। हाँ तुम्हारा स्वागत है जंगल में, यह जगह तुम्हें पसंद आएगी। यहाँ मैं मेरे भाई घूमते रहते हैं, तुम आ ही गए तो तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। ठीक, अरे चट्टा अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं खाना ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैसे भी शायद मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? अरे यह फल तुम्हारे लिए है चट्टा। तुम्हारा शुक्रिया। तो अब से हम लोग अच्छे दोस्त बन गए हैं। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों। ए चिंटू, तुम्हें जंगल में स्वागत करने के लिए हम एक पार्टी देना चाहता है, क्या तुम तैयार हो? हाँ बोलो, जरा इस खाने को तो देखो जो हमने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा खाना ढूंढने में हमने सारा जंगल छान मारा। हाँ ये बात सही है, आओ एक बार देख तो लो। बहुत स्वादिष्ट है देखो। इतने सारे बादाम हमारे हाथ लगा, हम सब ले आए। तो क्या बोलते हो तुम, हमें लगा बादाम तुम्हारा पसंदीदा है। अब इंतजार किस बात का है? तुम्हारा शुक्रिया, ये कुछ ज्यादा ही है दोस्तों। इसलिए मुझे जंगल में एक भी बादाम दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सुना है ये वाला सबसे स्वादिष्ट है। ठीक है, शुक्रिया। मैं कितनी खुश हूँ, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। शांति छोटे, इतना भी उछल कूद मत करो, आओ हम भी कुछ खाते हैं। ए चट्टा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? वो दरअसल आराम से बैठो, कुछ केक खा ला, खा ला। मुझे प्यास लगी है। हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, एक सेकंड रुका। थोड़ा जोश पीना चाहोगे? या कोई भत्ता पुराना जोश आई है या मेरा सीक्रेट रेसिपी से बना है बादाम का जोश? अरे ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन खुशी के मारे मेरे गले में अटक गया, माफ कर देना मुझे। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अरे आराम से, आराम से। मैंने सोचा कि तुम्हें बादाम का जूस पसंद नहीं आया। सच में नहीं, ये स्वादिष्ट था, शुक्रिया। मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया और मैंने भी पेट भर गया। चंटो तुम्हें क्या थोड़ा और चाहिए? नहीं नहीं शुक्रिया। लगता है तुम अभी भी भूखे हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना ज्यादा खा सकता हो। चंटा मत करो, मेरे पास कुछ और खाना बचा है, लखा के साथ मैंने शायद का सौदा करके यह लिया था। टंटरान, ये तो प्रॉन चिप्स है, तुमने कभी खाया? मेरे पुराने घर में जंगल का एक रखवाला मुझे रोज ये चिप्स खाने के लिए देता था। अच्छा, तुम्हें इतना भी नहीं खाना चाहिए। चिंटू, हमारे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। डब्लू,
हाँ सही कहा, मैं तो बोल ही गया था। अरे इतना सारा बताओ वहाँ नीचे क्या कर रहा है? क्या? देखा? अजीब है, ये यहाँ कहाँ से आ सकता है? मुझे लगता है ये सब टेबल के नीचे गिर गया था। इस पे दांतों के निशान है और थोड़ा गीला भी है। चिंटू, क्या तुमने इसे जानबूझ के टेबल के नीचे फेंक दिया? बोलो। मैं वो चंटा, या तुम कैसे फेंक सकता हो? बाला, तू हमें बता सकते थे कि तुम्हें बादाम पसंद नहीं है। फेंक देने से खराब हो गया है और यह कोई अच्छी बात नहीं है, समझ गए? मैं नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? असल में मैं चंटा, कैसी गिलारी हो तुम? हमने खास कर यह तुम्हारे लिए लाया था, इसका मतलब क्या तुम हमारे साथ दोस्ती नहीं करोगे? नहीं, मैं करना चाहती हूँ। मेरा तो नसीब अच्छा है कि तुम दोनों से मेरी दोस्ती हुई, लेकिन बात क्या बात है? वो मैं बताओ, हमें वो क्या बताओ अभी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतनी खुजली हो रही है, मुझे जाना ही होगा। लेकिन मुझे ये जगह बहुत पसंद है और वो दोनों भालू भी। मेरा बैग, वो जरूर यही कहीं होगा, कहाँ जा सकता है? ओ नहीं, इस गड्ढे में नहीं। वहाँ पहुँच के हम उससे शांति से पूछेंगे और इस बात का कारण जान के रहेंगे। नहीं, इन्होंने तो मुझे घेर लिया है, मैं क्या करूं? चिंटू, क्या तुम देखो? चिंटू, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम दोनों ने मुझे बचाया। भाग रहे थे, हम दोस्त हैं, इसलिए तुम हमें बता सकते हो। चिंता मत करो, हमें बता दो कि क्या बात है। चिंटू, बात क्या है? बात यह है कि मैं बादाम नहीं खाती क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है। तुम्हें एलर्जी है? एलर्जी की वजह से मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं, वो मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं कैसी अजीब गिलहरी हूँ जो बादाम नहीं खा सकती। फिर उन्हें लगने लगा कि मेरी एलर्जी दूसरों को भी हो सकती है और अचानक मुझसे सारे दोस्त दूर हो गए, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और कहीं तुम भी उसी डर से मुझसे दोस्ती ना करना चाहो, यही सोचकर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अब तुमसे कभी हमेशा तुम्हारा डॉट पहले लाएंगे। चिंटू, क्या तुमने कहा था कि तुम्हें बादाम से एलर्जी है? हाँ। लेकिन वो क्या, उस दिन तुमने एक भी बादाम नहीं खाया? हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर ये सोचो कि तुमने हाल ही में क्या खाया है। मैंने शहद खाया था, कुछ सेब और वो प्रॉन चिप्स भी। हाँ, वो प्रॉन चिप्स, मैंने तो वो बहुत सारा खाया था। तो फिर उसी से ये सब हुआ है? तुम्हें प्रॉन चिप्स से एलर्जी है क्या? तुम एक बादाम खा के क्यों नहीं देखते ये समझने के लिए कि तुम्हें उससे एलर्जी है या नहीं? लेकिन चलो खाओ। अगर तुम दोनों उस दिन मुझे नहीं बताते तो मैं इस दुनिया के सबसे बेहतरीन खाने से हमेशा। क्या तुम्हें याद है कि हमने कहा था तुम्हारे लिए एक तोहफा है? कैसा गिफ्ट? डब्लू, इसे खोल के देखो। ओ, ये तो एक लाओ, मैं पहना देता हूँ। चिंटू, ये पहनने का मतलब है कि तुम बबलू डब्लू पहाड़ के प्रामाणिक सदस्य हो, समझ गए तुम? क्या हो गया? तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। कुछ ऐसी बात कर रहा जो हमें नहीं पता है। ठीक है, अब लगता है बादाम खाने का सही समय है। बिल्कुल ठीक। अरे डब्लू,
वाह 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 वाह।